वही केजीएमयू के डॉक्टरों की टीम को सफलता हाथ लगी है। कोरोना की पहली मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पहली मरीज कनाडा की महिला डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात कही जा रही है। फाइनल जांच के लिए दोबारा लिया गया महिला डॉक्टर का सैंपल। दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला डॉक्टर को उसके घर भेज दिया जाएगा। केजीएमयू के डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई है। इस तरह से लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर्स को ये सफलता हाथ लगी है। इन डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाई है। दरअसल केजीएमयू के अंदर एक जो महिला डॉक्टर एडमिट थी, जो कनाडा से वापस लौटी थी, जिसमें कोरोना के लक्षण देखे गए थे, उनकी रिपोर्ट ट्रीटमेंट के बाद जो पहली कराई गई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, वो नेगेटिव आई है। हालांकि फाइनल जांच के लिए एक बार फिर से ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, एक बार फिर से उन्हें जांच के लिए भिजवाया गया है, कोविड-19 टेस्ट के लिए भिजवाया गया है। और अगर एक बार फिर दूसरी बार भी अगर रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है तो फिर उस महिला डॉक्टर को घर भेज दिया जाएगा। एसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वाजपेयी, क्या कहा जाए, कितनी बड़ी सफलता है, क्या मतलब जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, डॉक्टर्स की मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है? बिल्कुल, केजीएमसी के डॉक्टरों ने ये चीज कर दिखाई है, क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो जो पहली महिला मरीज थी वो कनाडा की डॉक्टर थी जो लखनऊ आई थी, जिनको कोरोना जैसे लक्षण थे, जांच में उनके कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से वो केजीएमसी लखनऊ में भर्ती हैं। केजीएमसी के डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे और जो अब उनकी जांच हुई है, जांच में रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने अब उनकी फाइनल जांच के लिए उनका नमूना लगाया है। अगर इस बार भी उनकी जांच निगेटिव आती है तो उनको छुट्टी दे दी जाएगी और वो घर चली जाएंगे। तो निश्चित तौर पर केजीएमसी के डॉक्टरों के लिए बड़ी बात जरूर है। उन्होंने यानी कि एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं या फिर जो डरे हुए सहमे हुए हैं। कोविड-19 टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, इस बारे से डरने की जरूरत नहीं, समझदारी के साथ इसका सामना करें। चलिए, शुक्रिया आपका इसके बाद पूरी जानकारी को तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।